من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھے محمد والے سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 187 اور 188 یہ دو آیات آپ تھکے ہوئے مومنوں کی خدمت میں تلاوت کی ماشاءاللہ اللہ کرے آپ کبھی بھی نہ تھکے اور اللہ کی اس آیت میں اللہ آپ کو شامل فرمائے جس میں فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا نہ کمزور پڑو وَلَا تَحْزَنُوا اور نہ غمگین ہو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تم ہی سب سے اوپر رہو گے اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن ہو تو صلوات پڑھے محمد و آل محمد یہ جو دو آیات میں نے تلاوت کی بڑی ہی اہم بات اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں بتائی ہے اگرچہ یہ دونوں آیات نازل ہوئی ہیں اہل کتاب کے بارے میں لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے آئمہ نے ہمارے رسول نے اور سب سے بڑھ کر خود اللہ نے واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ قرآن کی آیات جو پچھلی قوموں کے بارے میں ہوں یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ساتھ تعلق نہیں ہے توجہ فرما رہے ہیں قرآن کی جب ایسی آیات پڑھو کہ جس میں گزشتہ قوموں کا ذکر ہو تو پھر یہ کہہ کے آگے نہ چل پڑنا کہ اوئے ہوئے ہوئے بڑے بھیڑے لوگ ہاں بلکہ رک کے یہ دیکھنا کہ جس بات پر اللہ ان سے ناراض ہے وہ بات تمہارے اندر تو موجود نہیں توجہ فرما رہے ہیں کیونکہ ایک اشارہ کروں ایک فرمان کی طرف جو ذہن میں آ گیا مولا علی علیہ الصلات والسلام کتاب نہج البلاغہ میں ایک خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس بات کو جان لو کہ اللہ ہرگز تم سے کسی ایسی چیز پر خوش نہیں ہوگا جس چیز پر تم سے پہلوں سے ناراض ہوا ہے سمجھ آ رہی ہے یعنی قرآن میں اگر اللہ نے بتایا ہے کہ یہودیوں یا عیسائیوں کی یا فلان قوم کی یا فلان شخص نے یہ حرکت کی اور اللہ اس سے ناراض ہوا تو کبھی نہ سوچنا مولا فرما رہے ہیں
कि तुम कोई अल्लाह के लूडे लाडले हो कि उनसे तो नाराज हुआ था ते तुसी कर लो ते खैर, तुमसे भी उसी तरह नाराज होगा जिस तरह उस हरकत पर पिछले लोगों से नाराज हुआ था। अब तवज्जो फरमाए, आज कौम का दर्द रखने वाले, कौम का दर्द रखने वाले, चाहे वो अवाम में से हों और चाहे वो उलमाए कराम में से हों, वो सब उस तूफान बदतमीजी से परेशान हैं जो हमारी कौम के मिंबर पर मचा हुआ। कुछ लोग मिंबर पे चढ़ते हैं और जब तक अल्लाह की तौहीद से छेड़खानी ना कर लें उनका ठरक पूरा नहीं होता। ठरक समझते हैं, ठरकी बंदा समझते हैं। जब तक अल्लाह की तौहीद के साथ छेड़खानी ना करें तब तक उनका चस्का पूरा नहीं होता। वो तो खैर पैसे जेबों में डालकर तो रफू चक्कर होंगे, उनकी अकलों को भी 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए जो पल्ले से पैसे देकर अपने दीन का बेड़ा गर्क करवाते। क्यों? एक बंदा मिंबर पर आता है, कहता है मैं मौला अब्बास दे फजाइल पढ़ूंगा। फजाइल क्या पढ़ता है? इमाम तू किसे बंदे पूछया, ए गाजी अब्बास नू इमामत क्यों नहीं मिली? आगे से इमाम ने जवाब दिया, साड़ी दादी जहरा हजरत अब्बास वास्ते एक घटिया शह पसंद ही नहीं की। ठीक है, और आगे से कुछ बोंगे खलो के नारा मारते, समझते मौला अब्बास के फजाइल पढ़ रहे। अगले माह मुहर्रम में इन अकलों पर भी नोआ लिख के मातम होना चाहिए। दीन की इस समझ पर भी पिटना चाहिए कि जिस इमामत का इतना शोर है मकतब अहले बैत में, वो इमामत घटिया शह, इस वास्ते हजरत अब्बास लई कोई नहीं। और कौम में इतना सेंस नहीं है कि उन्हें पता चले कि ये हजरत अब्बास के फजाइल हैं या सारे इमामों की तौहीन हो रही है समेत मौला अली की, पता सॉरी कोई नहीं। एक दूसरा आता है और आकर मिंबर पे कहता है थानू मौला अली दा मकाम दसा। ये बोंगे आगे से कहते हैं दसो। वो उसे पता है कि जो मेरे सामने बैठे हैं परले दर्जे के जाहिल, इन्हू इन्हों दे रसूल आख्या पढ़ो कुरान, ए कुरान दे नेड़े नहीं लगे, इन्हों जो मर्जी झूठ बोल दे इन्ना वाह 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 करनी। जे ना रसूल दी गाल ना मननी होवे उन्ना हिदायत किदू लैनी? जितना मर्जी आपको फूक भरे मौलवी या जाकिर, थोड़े वर्गा पढ़िया लिखिया मजमा मैं पूरे पाकिस्तान च नहीं वेख्या। बेईमान जिथे जाने उन्होंने यही गल आ, अपने सामईन को फूक भरने के लिए क्या कहते हैं? जब नारे ना लग रहे हो ना और उसके पेट में मरोड़ उठ रहा हो कि नारा क्यों नहीं लग रहा, मुड़ मजमे नू टीका लांदे फूक भर दे।
थोड़े वर्गा पढ़िया लिखिया मजमा अलीपुर आलियो मैं किदे ही नहीं वेख्या। झूठा बेईमान, मैं आपसे कह रहा हूं हदीस सकलैन पर टेक लगाकर कि अल्लाह के रसूल ने जब फरमा दिया कि तुमने कुरान को भी मजबूती से पकड़ना है और मेरे अहले बैत का दामन भी मजबूती से पकड़ना है, ते जेड़ा बंदा चाहे मोमना दा मामा बनिया वते, जिस बंदे ने अल्लाह की किताब को लिफ्ट नहीं करवाई कि उसके अंदर क्या लिखा है, वो सब कुछ हो सकता है, ना वो समझदार है ना वो पढ़ा लिखा है, जाहिल है। अपनी या तो अल्लाह के नबी ने सच फरमाया कि दोनों का दामन मजबूती से पकड़ो, ते या फिर असी अल्लाह दे रसूल तो भी ढेर सियाने हैं, सानू इस्लाम दा रसूल तो भी ढेर पता कि असी ना भी कुरान पढ़िए ता भी असी जनाब पक्के जन्नत दे टिकट लेके। ये जो जन्नत के टिकट लेकर बैठे हुए हो, कभी जहमत की है कि जाके टिकट अपना कुरान से भी चेक करा लो कि परवरदिगार भी जन्नत विच वड़न दा यही तरीका दसिया जेड़ा पैसे लवण आला मौलवी या जाकिर दसदा। मैं उलमाए हक्का की बात नहीं कर रहा, जिनको भी पैसे कमाने का ठरक है इस मिंबर से उनकी बात कर रहा हूं। आके वेंदन अवाम किवें खुश होंदी है, बानी तो पूछदा है जनाब किवें पढ़ना है, केड़ियां गल्लां करनियां ते केड़ियां कोई नहीं करनी। जिसको अल्लाह से ज्यादा बानी का डर नहीं होता, बानी से लालच होता पैसों का। तवज्जो फरमा रहे, तवज्जो कीजिए। आप लोग अगर अल्लाह की किताब खुद मेरे सुनाने से नहीं, खुद अल्लाह की किताब से आप आशना नहीं होते तो सबसे बड़ा धोखा यह है कि तुसा जन्नत जाना, सब तू वड्डा कूड़े। मैं सख्त बात कर रहा हूं क्योंकि जे बंदा ढेर बीमार होवे तो मुड़ उन्हें टीका लाना पौंदा, गोली शोली दा असर उस ते कोई नहीं होंदा, ते कदी कदी तो उसकी चीर फाड़ भी करनी पड़ती है, उसको ऑपरेशन करना पड़ता है, इंदा डेड पाड़ो ते विचू कड्डो रसौली, नहीं तो इस ठीक कोई नहीं होना, कैंसर दा रसौली इंदे पेट दे विच वड़ गई, खोपड़ी फाड़ो इसकी अंदर से, इसके ब्रेन में से ट्यूमर निकालो बाहर। ईमानदारी से बताओ ये अल्लाह के रसूल की हदीस पर ईमान है या नहीं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं दो कीमती चीजें दे के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी इतरत मेरे अहले बैत है। क्या फरमाया था? इन दोनों का दामन मजबूती से थामना। फरमाया या नहीं फरमाया? मैनू ईमानदारी नाल दसो, कुरान का दामन मजबूती नाल थामना छड़ो, थामिया भी है या कोई ना? कोई ना, अल्लाह की कसम कोई ना। पैसों के फ्यूल पर चलने वाले लोगों की तकरीरें सुन सुन के तुसी जन्नत जपड़े बैठे हो, सुभान अल्लाह। अल्लाह दी रसूल दी गाल दी परवाह ही कोई नहीं, अल्लाह दे रसूल दी परवाह ही कोई नहीं। कि जिसने कहा था इन दोनों को मजबूती से पकड़ना, क्यों फरमाया था दो? इसलिए कि उनको पता था उनके फरामीन दसियों मौजूद हैं, रसूल पाक के भी और अहले बैत के भी, सुनियों की किताबों में भी रसूल के ये फरमान मौजूद हैं और शियों की किताबों में मौजूद हैं कि हमारे बाद हमारे नाम पर कसरत से तुम्हें झूठ बोलेंगे, चुटकी बजाओ तो जन्नत बढ़ जाओ। तुम हरगिज वो बात कबूल ना करना जो हमारे रब के फरमान के कुरान के खिलाफ। इन्हें कुरान दा ही काम सफाई कर छड़िया, ना कुरान पढ़नगे ते ना इन्हें पता लगेगा क्या कुरान के खिलाफ है और क्या कुरान के मुताबिक है।
और कुछ जो है दीन के ठेकेदार बन के आते हैं, वो एक आम बंदा ते कुरान पढ़ ही नहीं सकता। बेईमाना, तेरी अल्लाह ड्यूटी लाई है लोगों नू कुरान दे नेड़े लियावण दी, ना कुरान तू दूर नसावण दी। यही इन आले इमरान की दो आयतों में यही लिखा हुआ। अब सुने गौर से, जब ये आयात उतरी तो अहले किताब के लिए थी, आज ये आयात मेरे और आपके लिए। क्या फरमा रहा है अल्लाह, सुने जरा गौर से। सूरह आले इमरान आयत नंबर 187 पहले पढ़ रहा हूं, 187। وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور جب اللہ نے میثاق لیا، میثاق کے نو آندے ہیں، ایک ہوتا ہے عہد، ایک ہوتا ہے چنگا پکا گاڑا گوڑا ٹائٹ قسم کا عہد، پکا عہد لیا اللہ نے، کن سے عہد لیا؟ من الذين اوتوا الكتاب، ان سے جن کو کتاب دی گئی تھی، اور آج اس کا معنی یوں ہوگا جن کو اللہ نے قرآن دیا تھا ان سے اللہ نے عہد لیا۔ تم کیا کرو گے؟ کیا میثاق لیا اللہ نے؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، अपने कोलू घड़े हुए नुक्ते सुना के ते नारे लवावण, तू पहले तुम अल्लाह की किताब को साफ साफ बयान करोगे लोगों को। क्या करोगे? तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें कहें किबला साहब तशरीफ ले आ रहे हैं, हाथ चुम्मो, दौड़ चुम्मो, डेढ़ चुम्मो, गुल बुलबुले गुलिस्तान अहले बैत तशरीफ ले आ रहे हैं, देसी कुकड़ पकाओ इनांदे वास्ते। तुमसे अल्लाह ने ये अहद लिया था कि तुम अल्लाह की इस किताब को लतुबय्यिनुन्नहु, जरूर बिज़रूर हतमन इस किताब को साफ साफ लोगों को, लिन्नास लोगों के लिए बयान करोगे। फिर मजीद ताकीद फरमाई, वला तक्तुमूनहु। ये मेरी गल तू नहीं समझना, ये तो सारा काम मौलविया जाकरा ते असी ते बच गए, तुसी भी फांसे हो, बच कोई नहीं गया। हर बंदे की अपनी ड्यूटी है। आप मैं कहता हूं मुख्तलिफ जगह पर के अवाम बानी जब किसी को बुला रही है, 10 दिन जिससे दीन सुनना है, किसी ने कभी तकलीफ गवारा की है कि इतना ही पता कर ले कि अल्लाह दी किताब कुरान इसको पढ़नी भी आती है या कोई ना? ढेर सारों को सीधी सीधी पढ़नी भी नहीं आती अल्लाह की किताब। और जो लोग जो कौम उस बंदे से दीन सुन रही हो जिसको अल्लाह की इस्लाम की बुनियादी तरीन किताब पढ़नी भी नहीं आती, उस कौम की अकल को भी साथ सलाम करने चाहिए। इतनी सियाणी कौम है। और मैं उसका एक तरीका बताता हूं, बताता रहूंगा जब तक कि अल्लाह वो दिन न दिखाए जब अवाम ये काम शुरू करे, बानी ये काम शुरू करे। क्या काम? इस्तखारा सुना हुआ ना आपने, इस्तखारा, ए जमीन लेनी इस्तखारा करो, रिश्ता करना इस्तखारा करो, लैटरीन में जाना इस्तखारा करो। कुछ लोग तो लैटरीन में जाने के लिए भी इस्तखारा करते हैं, और अगर बुरा आ जाए तो पता नहीं फिर कहाँ पे करते हैं, चूंकि इस्तखारे से वो थोड़ी रुक जाता है। एक इस्तखारा मैं बताता हूं आपको, ए इस्तखारा लिख लो, ए मौलाना नहीं करना, जाकिर नहीं करना, तू साहब करना। और जब तक ये इस्तखारा नहीं करोगे ये तूफान बदतमीजी खत्म नहीं होगा। इस्तखारा क्या है?
मैंने तो सर फोन किबला हैदर नकवी साहब माशाल्लाह इस दफा हमारे पास खमसा पड़े अशरा पड़े। मैं क्या जी ठीक है तो तुसा क्या है लेकिन असी ना एक इस्तखारा करना पहले इस्तखारा करना जी दसो फिर आप कहेंगे ए कुरान मजीद है ना ए तुसी फद्दो मौलवी साहब या जाकिर साहब या शायर साहब शायरा भी बड़ी बेड़ी बोड़ी इस कौम की अली की मर्जी है खुदा लगे ना लगे बेड़ा गर्क कौम दीन से ही खारिज बार इतनी बड़ी बड़ी चबलें बिठाई हुई इन्होंने समझते मौला अली के फजाइल पढ़ सबसे बड़ा दुश्मन कियामत के दिन सबसे ज्यादा लित्तर इनको मारने वाला मौला अली है जिसका नाम लेकर अल्लाह ताला के साथ शिर्क कर लिख लो इस बात को नेजुल बलागा पढ़ लो मेरी बात ना सुनो मेरी कोई हैसियत नहीं है जेड़ा मौला अली नू अल्लाह नाल मिलावे उनू सब तू ढेर लित्तर मौला अली मारने याद रखे तवज्जो फरमा रहे हैं ते जदन जदन यदुल्ला दा लित्तर लगा ना ते पाकिस्तान दी पुलिस दे लित्तर भी उनके अगे कुछ नहीं तवज्जो फरमा रहे एक सलवात पढ़े मुहम्मद व आले मुहम्मद आपका मौलवी साहब बिस्मिल्लाह पढ़ के जाकिर साहब ए कुरान खोल लो उसने यूं किया कुरान खोलिया तुस आखना हुण जाकिर साहब शायर साहब तुसा सानू दीन दसना है ए जेड़ा सफा खोलिया है ना जेड़ा सफा खोलिया तुसा ए जरा सारा तिलावत करके सानू सुना दो अपनी तुसी ते बुलबुल गुलिस्तान है अहले बैत हो असी वेखिए बुलबुल किवें चहचहांदी है ठीक है ना जिवें सानू इंडियन गाणियां दियां धुनां ते कसीदे सुणांदे हो जरा कुरान पढ़ के भी सुनाओ तवज्जो फरमा रहे अगर ना पढ़ सके कि काफी सारे नहीं पढ़ सकेंगे ते थोड़े मिंबर तू अद्धा गंद ता इस इस्तखारे नाल ही साफ हो जाए लेकिन तुसा अली करना कोई नहीं क्योंकि थानू आप भी घाटी होंदा जदन थानू होश आ गया उदन मिंबर तू गंद आपे साफ हो जासी तवज्जो फरमा रहे इसलिए मैं कह रहा हूं ये कोई ना समझे मौलवी जाकर फंस गया सी तो निकल गया अली अली कर दे नहीं अल्लाह तुसी पूछ रहे तुसी ए हदीसे सकलैन मौलवियां वास्ते की आई ये सारी उम्मत वास्ते आई तो तुसी फिर इतने काके भोले क्यों बने रहे कि तुसी दा दा दे अशरा सुन दे आए बेच अल्लाह दी किताब दा हिस्सा ही कोई ना ही होंदा थानू इतनी अकल कोई ना भी है किदे खा पी गए कुरान में क्यों अगर वो कुरान का सफा ना पढ़ सके तुसी आखो जनाब अल्लाह बेली तुहाडे कोलो दीन लैके असा दोज़ख च नहीं जाने ठीक है ना तुहाडे कोलो दीन लैना इंजी जिवें मोची कोलो ऑपरेशन कराना अपना भाई जिवें जुत्ती नू चीर पाड़दा है ना मेरा डेढ़ भी इंज चीर पाड़ खुदा हाफिज और अगर वो तिलावत करके सुना दे तुसी आखो माशाल्लाह सदके उसे यूं करके बलाई ले उसकी माथा चूमे लेकिन कहें हाली अद्धा इस्तखारा हो अद्धा रांधा है अद्धा बाकी आई बाकी अद्धा की है ये जेड़ा बुलबुल साहब तुसा सुनाया है ना ये हुण सानू दसो इहदे विच अल्लाह फरमाया की है बाकी अद्धी भी सफाई हो जाए और फिर आप देखेंगे कि अशरे पढ़ने के उम्मीदवार धड़ा धड़ दर से कुरान में दाखिला ले रहे सानू कुरान पढ़ाओ साडी तो बेरोजगारी हो गई कुरान पढ़ाओ साड़ी कौम सियाणी हो गई साडा बेड़ा गरक हो गया असी बेरोजगार हो गए असी लुटे गए असी मारे गए साड़ी कौम कुरान आंदी है पढ़ के सुनाओ असी किधर जावे सानू दोबारा मदरसे आई दाखला दियो मदरसे भी आबाद हो जाएंगे ये गिला भी खत्म हो जाएगा कि मदरसे आए स्टूडेंट थोड़े होंगे मदरसे जावन की जरूरत केड़ी है मदरसे चु बंदा पेश नमाज बनता है
ठीक है ना, ते जेड़े ए सुरीलिया नू लखा दे रहे होंदे ने उन्हां नू गोटू आ जांदा है कि पेश नमाज नू 10-15 हज़ार देवण लगन जी, इतने पैसे साडे कोई नहीं होंदे। अल्लाह ने भी बड़ी ठुकाई लगानी है, तसली रखी, अल्लाह ने भी बड़ी। ये जो चस्केदार बातें सुनाते हैं ना, आधी बात बताई आधी पी गए, आधी क्यों बताई, वो बताते हैं जिसका आवाम को सवाद आए, और वो नहीं बताते जिसके बगैर बात मुकम्मल नहीं है, चूंकि वो बताने से सवाद खत्म हो जाएगा। बड़े चस्के ले लेके ये सुनाएंगे, क्यामत आले दे बीबी पाक जन्नत दे बुए ते खलो जाना है, ते पिछा मुड़ के जितने भी शिया होए ओना सारिया नू ओना जन्नत ले जाना है, ते नाल ए नहीं दस दे के इमाम बाकर ओना दे पुत्र फरमाया है, अल्लाह की कसम हमारा शिया नहीं होता मगर जो अल्लाह का तकवा रखे और अल्लाह का फरमा बरदार हो, ए नहीं दसणगे, क्योंकि ए दसणगे ते फिर नारा किवें ठोक के बजेगा, फिर नारा ते पंक्चर हो जाएगा, फिर पैसे कहां से फिर मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कौम नूं भी शौक के बगैर काम कीते ही जन्नत च वड़न दा। तवज्जो करें, वक्त कम है, मुझे तमाम करनी है बस, बहुत टाइम नहीं है। और जब अल्लाह ने मीसाक लिया उनसे जिन्हें किताब अता की थी कि तुम लोग जरूर बिस जरूर इसे लोगों को आवाम को बयान करोगे, वला तक तुमू ना हो, और इसे नहीं छुपाओ, सबसे पहला काम मिंबर पर बैठने वाले का अल्लाह के कलाम किताब कुरान का बयान, सबसे पहले उसकी मजलिस की फिजा पर यह गालिब होना चाहिए। क्यों? अल्लाह की कसम, आप कुरान के अलावा जिस किताब से भी कुछ पढ़ रहे हो सुना रहे हो उसमें अगर मगर हो सकती है कि ए रसूल दा फरमान है भी या नहीं, ए मौला अली दा फरमान है भी या नहीं, ये बीबी पाक का फरमान है भी या नहीं, हर किताब में अगर मगर हो सकती है, लेकिन इस कुरान को जहां से उठा के पढ़ोगे जर्रा बराबर भी शक नहीं कि यही अल्लाह का फरमान है, यही 5 और 12 और 14 का फरमान है। कर सकता है कोई शक? कर सकता है कोई शक कुरान पढ़ते हुए? हदीस पसंद ना आवे ना किसे नू, आनन सनद चेक करो इंदी ए ज़ईफ होनी, क्योंकि चस्का नहीं आया इंदे विच, तो लिखे होया है सच बोलना होता है, हराम नहीं खाना होता, मसलन जिना नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, शराब नहीं पीनी, ए ते रोला ही है। ओ सदो ना जेड़ा आंदा नारा मारन वाला पक्का जनती, ओनू सदो, ओ अली जन्नत ठीक है, ए ते रोला है। झूठ नहीं बोलना, झूठ तो बगैर गुजारा हो सकता है? अच्छा अखलाक, तौबा तौबा, सारे मेरे सिर ते चढ़ जासे, मैं अखलाक अच्छा कीता इन्हां सारिआं ते मेरे सिर ते चढ़ जाण, इन्हां सारिआं नूं थल्ले ला के रखना, मैं अखलाक अच्छा नहीं कर सकता। ओनू सदो जेड़ा इन्हां सारिआं चीज़ां तों बगैर जन्नत च वड़दा, ओनू सदो। तवज्जो फरमा रहे, क्यों इन्होंने ये काम किया? आखिर अल्लाह से फड्डा किया है ना, अल्लाह से झगड़ा मोल लिया, अल्लाह ने कहा था मेरी किताब बतानी है, इन्होंने अल्लाह की किताब बतानी छोड़ दी, इतना बड़ा जुर्म क्यों किया? सुने, लतुबय्यिनन्नहु लिन्नास वला तक्तुमूनहु, हतमन लोगों को बयान करोगे और ताकीद और इसे नहीं छुपाओगे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? फनबदूहु वरा ज़ुहूरिहिम, इन्होंने अल्लाह के इस मीसाक को चुप के पीछे सोट देता, अपनी पुश्त के पीछे फेंक दिया। क्यों फेंका? इतना बड़ा जुर्म क्यों किया?
वश्तरौ बिही समनन कलीला, और अल्लाह के अहद के बदले में दुनिया का कलील माल बटोरना शुरू कर दिया। बड़े सियाने थे, इन्होंने जब देखा ना अल्लाह की किताब में तो जो कुछ लिखा है वो सुनाऊंगा सीधा सीधा, तो फिर तो चस्के लोगों को आने ही कोई नहीं, तो पब्लिक नु चस्के ना आए तो फिर पैसे किधरों आने। लिहाजा एक किताब नु साइड ते रखो ते होर गल्लां दसो, ठीक है। तो वो बतानी शुरू कर दी, अल्लाह ने पूरी तस्वीर दिखाई है कि इसके बदले में दुनिया का कलील माल लेना शुरू कर दिया, और फिर फरमाया इस आयत का आखिरी हिस्सा, फबिस्सा मा यश्तरून, तो कितनी बुरी चीज है जो ये खरीद रहे हैं, यानी अल्लाह का अहद जिसके बदले में इन्होंने बेच दिया। अल्लाह की किताब नहीं बताई। आप आवाम को क्या चाहिए, जिसको बुलाओ उससे कहो जेड़ी तुसी मजलिस पढ़नी है हाथ बन के थानू प्याने, तुसी बुजुर्गवार हो, कुरान मजीद दिया आयात भी होवन ते अहले बैत दे फरामीन भी हो, ए दोवें शैयां होवन, फिर तुसा मजलिस पढ़नी, फिर देखो क्या होता। तवज्जो फरमा रहे, 188 सुन लें और बात तमाम। मैं जिक्र मसाइब नहीं करूंगा, बुजुर्गवार जो मेरे बाद हैं आगा साहब, आगा शिराजी साहब हैं, आगा गलू साहब हैं, वो पढ़ेंगे और वो मुझसे बहुत बेहतर पढ़ते हैं, तो मैं जितना मुझे टाइम कहा गया उसमें समेटूंगा। 188 आयत। अब ये लोग जिन्होंने अल्लाह ने जो जिम्मेदारी लगाई थी वो तो नहीं पूरी की, लेकिन माल खूब बना लिया, उनके बारे में अल्लाह क्या फरमा रहा। फरमाया ला तहसबन الذين يفرحون بما اتوا, तू हरगिज गुमान भी ना करना, सोचना भी ना उन लोगों के बारे में जिन्होंने जो कुछ किया है उस पे बड़े खुश, बड़ा अशरा पड़ा, हर पासे मेरी बल्ले बल्ले हो गई, अशरे दे दौरान ही मैनू दावता होर आ गई हैं, बंदे मेरे हाथ चूमते थकते ही ना जिसले मैं मिंबर तू थले आउंदा। लेकिन इसने वो काम नहीं किया जो अल्लाह ने जिम्मे लगाया था, अल्लाह की किताब को बयान करने वाला। तो फरमाया ला तहसबन الذين يفرحون بما اتوا, ये जो लोग जिन्होंने जो किया है उस पर बड़े खुश हैं, गुमान भी ना करना इनके बारे में, क्या गुमान ना करना आगे आ जाएगा। एक और बात पहले फरमाई, फरमाया गौर से सुनिएगा मेरी बात तमाम हो रही है, ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا, और इनको बड़ा पसंद है, इनको बड़ा अच्छा लगता है कि इनकी तारीफ की जाए उस काम पर जेड़ा इन कीता ही कोई नहीं। एक दीन बताने वाले की, एक मिंबर पर बैठने वाले की हक्कन तारीफ कब बनती है, जब वो ईमानदारी से वो बताए जो अल्लाह और रसूल चाहते हैं, जो अहले बैत रसूल चाहते हैं, ईमानदारी से वो बताए। और अगर कोई ईमानदारी से ये काम ना करे फिर उनके बारे में ये जुमला कि खुश हैं जो कर रहे हैं उस पर बड़े खुश हैं, बड़े मैं बड़ा अशरा मैं लुट लिया, मैं शहर पूरा तबाही मचा देती है, अलीपुर एच भी थे मैं, लाहौर एच भी थे मैं, पता नहीं किधर किधर। उस काम पर चाहते हैं इनकी तारीफ की जाए, अल्लाह फरमा रहे जो इन्होंने किया ही नहीं। कौन सा काम नहीं किया, अल्लाह की किताब को बयान करना, एक कीता ही कोई नहीं है। तवज्जो फरमा रहे, तो फरमाया फला तहसबन्नहुम बिमफाजतिम मिनल अज़ाब, तो तू गुमान भी ना करना कि ये मेरे अजाब से बच गए।
जिन्होंने अल्लाह की किताब को बयान नहीं किया, गुमान भी ना करना कि ये मेरे अजाब से बच गए। वलहुम अजाबुन अलीम, और इनके लिए दर्दनाक अजाब। अवाम भी और मिंबर पर आने वाले भी, जब तक ये दोनों अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेंगे, खोटे और खरे की पहचान नहीं करेंगे, और जब तक जिक्र अहले बैत के साथ जुड़ा हुआ जिक्र कुरान और आयात कुरान नहीं होगा मिंबर पर, ये गंद जो पड़ा हुआ है इस कौम में, ये गंद कभी साफ नहीं हो सकता। यहाँ पे लोग बेड़ा गर्क भी करेंगे अकीदों का, और आपको लूट कर भी ले जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा, तो उसी समझना असी तो पक्के जनती। तवज्जो फरमा रहे, अल्लाह ताला से दुआ है कि हर सुनी सुनाई पर यकीन न करने की हमें तौफीक अता फरमाए, और हमें हदीस सकलैन कुरान का दामन मजबूती से थामने वाले, और रसूलुल्लाह और उनके अहले बैत का दामन मजबूती से थामने वालों में शामिल होने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। और जब तक ये जो कुरान की कमी है हमारी जिंदगियों में, जब तक ये दूर नहीं होती, तो अल्लाह ताला हमें ऐसे ही अहमकों की तरह खुश होने की तौफीक ना दे कि साढ़े वर्गा तो मोमिन है ही कोई ना दुनिया। परवरदिगार आलम उस्तादुल उलमा के दरजात को बुलंद से बुलंद तर फरमाए, और उनकी जुर्रियत को उनकी सीरत हसना पर चलने की तौफीक अता फरमाए, साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब का खात्मा अल्लाह खैर पर और ईमान पर फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।